राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी शुरू हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की शुरुआत बेहद ख़राब रही। कप्तान विराट कोहली पहली गेंद में ही आउट हो गए। 12 रन के स्कोर पर आरसीबी का दूसरा विकेट गिरा। ट्रेंट बोल्ट ने शहबाज अहमद को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच कराया। शहबाज ने 4 गेंदों में 2 रन बनाए। खराब शुरुआत से उभरती हुई आरसीबी ने पावर प्ले में 2 विकेट खोकर 62 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल और फेफ डुप्लेसी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। 2 विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर 100 रन के पार। ग्लेन मैक्सवेल और फेफ डुप्लेसी के बीच शतकीय साझेदारी हुई। ग्लेन मैक्सवेल के बाद फेफ डुप्लेसी ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। 147 रन के स्कोर पर आरसीबी का तीसरा विकेट गिरा। फेफ डुप्लेसी 39 रन में 62 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। यशस्वी जायसवाल ने स्टिक थ्रो मारकर उन्हें रन आउट किया। 3 विकेट के नुकसान पर आरसीबी का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। 156 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम का चौथा विकेट गिरा। ग्लेन मैक्सवेल 44 गेंद में 77 रन बनाकर आउट हो गए। रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें अपने स्पेल की आखिरी गेंद में जेसन होल्डर के हाथों कैच कराया। मैक्सवेल ने अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए। 147 रन के स्कोर पर आरसीबी का 5 विकेट गिरा। महिपाल लोमरो 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। युजवेंद्र चहल ने उन्हें देवदत्त पाटिकल के हाथों कैच कराया। 163 रन के स्कोर पर आरसीबी का 6 विकेट गिरा। सुयश प्रभुदेसाई खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। दिनेश कार्तिक के साथ गलत फहमी के चलते उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। सुयश ने 2 गेंदों का सामना किया लेकिन अपना खाता नहीं खोल सके। यशस्वी जायसवाल ने के स्टिक थ्रो पर संजू सैमसन ने गिल्लियां बिखेर कर सुयश को पवेलियन भेजा। 100 रन के स्कोर पर आरसीबी का 7 विकेट गिरा। वनिंदु हसरंगा 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। संदीप शर्मा के थ्रो पर संजू सैमसन ने गिल्लियां बिखेर कर हसरंगा को पवेलियन भेजा। 184 रन के स्कोर पर आरसीबी का 8वां विकेट गिरा। दिनेश कार्तिक 13 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए। संदीप शर्मा ने उन्हें जोश बटलर के हाथों कैच करवाया। 184 रन के स्कोर पर आरसीबी का 9वां विकेट गिरा। विजय कुमार खाता खोले बिना आउट हो गए। उन्हें पहली गेंद पर संदीप शर्मा ने सिमरन हेटमायर के हाथों कैच कराया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 189 रन बना लिए। 190 रन का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल की बल्लेबाजी शुरू हुई। 1 रन के स्कोर पर राजस्थान का पहला विकेट गिरा। जॉस बटलर खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए। मोहम्मद सुराज ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। 1 रन पर राजस्थान का पहला विकेट गिरने के बाद यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाटिकल ने राजस्थान की पारी संभाली। 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान का स्कोर 50 रन के पार जा चुका था। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाटिकल के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी हुई। देवदत्त पाटिकल ने 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। 99 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स का दूसरा विकेट गिरा। देवदत्त पाटिकल 34 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड विली ने उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच कराया। पाटिकल ने अपनी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। 108 रन के स्कोर पर राजस्थान का तीसरा विकेट गिरा। यशस्वी जायसवाल 27 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। हर्षल पाटिल ने उन्हें विराट कोहली के हाथों कैच कराया। 125 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल का चौथा विकेट गिरा। कप्तान संजू सैमसन 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हर्षल पटेल ने उन्हें शहबाज अहमद के हाथों कैच कराया। 4 विकेट पर राजस्थान रॉयल का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। 155 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल का 5वां विकेट गिरा। सिमरन हेटमायर 9 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। सीएस प्रभुदेसाई ने शानदार थ्रो पर उन्हें रन आउट किया। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 20 रन की जरूरत थी। 180 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम का 6वां विकेट गिर गया। हर्षल पटेल ने उन्हें सुयश प्रभुदेसाई के हाथों कैच कराया। आरसीबी ने राजस्थान रॉयल को 7 रन से हरा दिया।